हेलो एंड वेलकम टू 35th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ लो बैक पेन के बारे में। जब भी डायग्नोसिस की बात आती है तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें हमें पता लगता है, एक है मैकेनिकल, एक है हमारा नॉन मैकेनिकल बैक पेन। अब मैकेनिकल बैक पेन और नॉन मैकेनिकल बैक पेन सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन आती है जब भी डायग्नोसिस की बात आती है। अब मैं आपको आगे डायग्नोसिस ही बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी बैक पेन में क्या करना चाहिए, इसको कैसे डायग्नोज करना चाहिए। बड़े आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हमें बताते हैं कि दो तरह का बैक पेन होता है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। इसी से ही हमें ट्रीटमेंट का पता लगता है। अब नॉन मैकेनिकल बैक पेन को हम रेड फ्लैग भी बोलते हैं। रेड फ्लैग होता है फिजियोथेरेपी में या हमारे जो भी एक्सरसाइज या मेडिसिन बेस्ड जो हमारा प्रोग्राम होता है ट्रीटमेंट का, उसमें रेड फ्लैग का मतलब होता है कि इसमें हमें बहुत ध्यान से, यानी कि ये जो चीज़ है ये हमारी कभी भी एक्सरसाइज से या कंजर्वेटिवली ठीक होने वाली नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ी एडवांस चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो वो सर्जरिकली करना पड़ेगा या हमें एडवांस मेडिसिन इसकी लेनी पड़ेगी। तो रेड फ्लैग होता है वो मैं आपको आगे आगे कंप्लीटली बताऊँगा। तो अब आज हम इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल बैक पेन क्या क्या होता है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या फीचर होते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल बैक पेन के और हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल बैक पेन वो है जो मूवमेंट रिलेटेड पेन होता है और वो चेंज होता रहता है मूवमेंट के साथ। इसको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन भी बोलते हैं कि इसका कई बार रीज़न नहीं होता, खराब पॉस्चर की वजह से हो रहा है या कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हुआ है या ओवर यूज़ की वजह से हुआ है, वो मैकेनिकल बैक पेन है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसका हिस्ट्री इज प्रेजेंट। हिस्ट्री का मतलब है जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो वो बताएगा कि या तो मुझे कोई जर्क लगा है या मैं कहीं गिरा हूँ या मेरा जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है उसका कोई रीज़न था, मैं कोई वेट उठा रहा था, इस तरह की हिस्ट्री होती है इसमें, हिस्ट्री प्रेजेंट होती है मैकेनिकल बैक पेन में, जिसमें हमें पता लगता है कि कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई कॉज रहा है इसकी प्रॉब्लम का। अब इसी तरह से नॉन मैकेनिकल बैक पेन, इसको रेड फ्लैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये कंजर्वेटिवली ठीक नहीं होता। रेड फ्लैग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें जिसको हमें किसी को, जैसे मान लो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इनको ट्रीट नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कंजर्वेटिवली ठीक नहीं होने वाला, इसके लिए हमें ऑर्थोपेडिशियन या किसी सर्जन के पास भेजना पड़ता है उसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। या हमारा जो, जैसे आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊँगा, टीबी ऑफ स्पाइन है या बाकी चीज़ें हैं वो बाद में आपको एग्जाम्पल बताऊँगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का केस नहीं होता। जब भी ऐसे रेड फ्लैग देखे पेशेंट तो उसको तुरंत रेफर करें किसी अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, किसी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन के पास, क्योंकि इसका कोई ना कोई और रीज़न निकल के आ रहा है। तो मैकेनिकल बैक पेन वो है जो हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से, बाकी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। तो मोस्टली जो 90% होती है बैक पेन, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। ऐसी तरह से अब इसमें नॉन मैकेनिकल बैक पेन में कोई हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होती, अचानक ही पेशेंट आएगा और कहेगा मुझे बैक में पेन हो रहा है, या वो पेन रेफर हो रहा है, कभी रिब्स की तरफ हो रहा है या कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, उसको कोई स्पेसिफिक बैक पेन मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें क्या होगा, पेन रेफर होगा। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, कोई हिस्ट्री वो पता नहीं लगेगा उसको कि मुझे अचानक से पेन शुरू हो गया, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड आता है पेन चेंजेस विद मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे डायग्नोज का। जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो या तो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या साइड बेंडिंग, इनमें कहीं ना कहीं पेशेंट को पेन आएगा तो वो हम मानेंगे मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल बैक पेन वो बैक पेन है जो कोई ना कोई मूवमेंट रिलेटेड होता है और मूवमेंट चेंज करने पे उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। कोई मूवमेंट करने पे पेन बढ़ेगा और उसकी कोई मूवमेंट करने पे पेन रिलीफ होगा। इसमें रिलीविंग और एग्रावेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है कौन सी जगह पे एग्रावेट हो रहा है, कौन सी जगह पे रिलीव हो रहा है, क्योंकि डिस्क में, इसमें आपको एग्जांपल बता ही देता हूँ, जैसे डिस्क डीजनरेशन, हर्निएटेड डिस्क, स्टेनोसिस, मसल स्ट्रेन, फ्रैक्चर, इन चीज़ों में जब भी हमारा, इसको मैकेनिकल बैक पेन की एग्जांपल्स बोलते हैं। इसमें अगर हमारा कोई भी पेशेंट आएगा तो उसका कोई ना कोई नेचर ऑफ और बिहेवियर ऑफ पेन चेंज होता जाएगा मूवमेंट के साथ साथ। जबकि नॉन मैकेनिकल बैक पेन में कभी भी, हमेशा कभी भी क्या होगा, मूवमेंट चेंज करने पे उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जो उसको फ्लेक्शन में पेन हो रहा है वही एक्सटेंशन में होगा, और कई बार क्या होता है पेन बिल्कुल बंद हो जाता है, सडनली 3-4 दिन के बाद बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाता है, और मोस्टली जो होता है रेस्टिंग पेन, नॉक्टर्नल पेन यानी कि नाइट पेन या रेस्टिंग पेन जो होता है,
जब भी पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है तो उसको वो पेन बना रहता है। अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब डिस्क निकलती है किसी की तो भी उसको 3-4 दिन तक रेस्टिंग पेन और नाइट पेन भी होता है, तो उसको इसके साथ रिलेट मत करिए, क्योंकि उसमें आपने MRI वगैरह भी करवाया होता है, उसमें वो कुछ नहीं निकला होता और आपकी हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। इसमें अचानक से सडनली रेस्टिंग पेन शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें पेन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। उसको इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जब डिस्क पेन होता है तो उसको आपको पता है कि हमारा अगर SLR करेंगे, लेग रेज करेंगे या फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो पेन बढ़ेगा। इसमें रेस्टिंग में भी सेम रहेगा, वो मूवमेंट करने में भी सेम रहेगा, कोई इसमें एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स नहीं होते। इसमें एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं, तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में ये फर्क होता है। थर्ड आता है लोकलाइज और रेडिएटिंग पेन। अब क्या होता है, इसका पेन होगा या तो बैक एरिया के पास होगा या डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसकी वजह से होगा। अब उसको भी रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, क्योंकि वो पेन लेग की तरफ जा रहा है या हमारा जो पेन जा रहा है वो लेग से, हमारा बटक से या कहीं से भी जो ओरिजिनेट हो रहा है। तो लोकलाइज और रेडिएटिंग पेन में यही हमारा अंतर होगा, क्योंकि अगर रेडिएटिंग भी है तो उसका भी कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा। अगर L4-L5 वाली निकली है तो उस एरिया में जाएगा, L5-S1 वाली निकली है तो उस एरिया में जाएगा। उसको भी हम कोई ना कोई अपना मूवमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं कि पेन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होगा रेफर्ड पेन। अब यही कारण है रेडिएटिंग और रेफर्ड पेन में क्या फर्क होता है। रेडिएटिंग पेन होता है कोई नर्व कंप्रेशन होने की वजह से, वो नर्व जहां जहां सप्लाई कर रही है वहां वहां रेडिएट हो रहा है पेन, उसको रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। रेफर्ड पेन होता है जो हमारा किसी ऑर्गन से, सॉफ्ट टिश्यू अगर कोई है, मान लीजिए किसी को पेट में या कहीं पे भी ट्यूमर है या कुछ भी अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उसका जो पेन रेफर कर रहा है वो हमारी बैक में भी कर सकता है, रिब्स में भी कर सकता है, अपर बैक, थोरेसिक एरिया, लोअर बैक, बटक, या हमारा को जो जेनिटल्स है, हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई हमारा पेन आ रहा है, एराइज हो रहा है या कोई ट्यूमर है, या पेनक्रियाज में, लंग्स में या लीवर में, कोई भी जगह पे हमारे नियोप्लाज्म या ट्यूमर कैंसरस सेल्स हैं उसकी वजह से भी रेफर्ड पेन हो सकता है, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो चुकी है वो रेफर्ड पेन कह सकते हैं। तो इसका हमेशा क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू की वजह से भी रेफर कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है, हमें हर एक जाने को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से या चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपने MRI भी नहीं करवाया हुआ तो एक बार ज़रूर उसको कंसल्ट करना चाहिए कि हमारा ये चीज़ें इतनी देर से ठीक नहीं हो रही है, नेचर ऑफ पेन सेम ही आ रहा है, तो हमें इसके सॉफ्ट टिश्यू यानी कि हमारा एक एब्डोमिनल स्कैन करवाना पड़ता है, जिसमें हमें पूरा होल एब्डोमन उसमें कवर करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू हमारे जितने भी हैं उसके स्कैन करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कोई पेन जो है या वो रेफर्ड पेन तो नहीं है, कोई सॉफ्ट टिश्यू से तो नहीं पेन आ रहा, क्योंकि पेन का नेचर चेंज नहीं हो रहा मूवमेंट से। अगला पॉइंट आता है रिस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है मेडिकेशन और हमारी एक्सरसाइज यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये हमारा जो मैकेनिकल बैक पेन होता है ये 90-100% कंजर्वेटिवली ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता, कई बार कैसे जैसे डिस्क प्रोलैप्स है तो उसके लिए सर्जरी भी करवानी पड़ती है, तो उसको भी हम यही मानेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट से उसका ठीक हो जाता है। पर इसमें क्या आता है, नो रिस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि हम जितना मर्जी इसमें ट्रीटमेंट दे दें नॉन स्पेसिफिक नॉन मैकेनिकल बैक पेन में, उसमें क्या होगा, कभी भी कंजर्वेटिवली वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए जैसे एग्जांपल मैंने दिया TB ऑफ स्पाइन, इसकी मेडिसिन चलेगी 6 महीने तक TB की, तो क्योंकि हमारा जो ये जी TB है हमारा स्पाइन में जब आ जाता है, लंग्स के थ्रू हमारा स्पाइन में जब आता है तो उसकी वजह से भी हमारा मेडिसिन चलता है, तो वो हमारा स्पेशलिस्ट जो होता है TB वाला ही डॉक्टर देखता है, हमारा ऑर्थोपेडिशियन साथ में देखते हैं, तो इसके लिए हमें अलग तरीके की मेडिसिन लेनी पड़ती है, नॉर्मल पेन किलर से या नर्व्स की मेडिसिन से ठीक नहीं होता। इसलिए इसमें नो रिस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जबकि इसमें रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें कंजर्वेटिवली। अगले मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, डिस्क डिजनरेशन हो गया, स्टेनोसिस हो गया, मसल स्ट्रेन, फ्रैक्चर, और नॉन मैकेनिकल बैक पेन के एग्जांपल्स हैं TB ऑफ स्पाइन, ट्यूमर, कोई ना कोई ट्यूमर होगा कहीं पे, स्पाइन में भी ट्यूमर हो सकता है, हमारा किसी सॉफ्ट ऑर्गन में ट्यूमर हो सकता है, किसी के लीवर में हो सकता है, ऐसे ही ऑस्टियोमेलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ स्पाइन, इन्फेक्शन ऑफ हमारा बोन का इन्फेक्शन हो सकता है किसी की वजह से, और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको पता ही है कि हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है और फ्यूज़ होने लगती है स्पाइन। तो इसमें एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा केस है जिसमें मेडिसिन भी चलती है और फिजियोथेरेपी भी चलती है, ताकि हमारे जो रिलैप्स और रिमिटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं उसको हम बचा सकें।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल बैक पेन में अगर हमें कुछ नहीं पता लग रहा तो MRI, CT स्कैन या एक्सरे ज़रूर करवा लें। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट को मैकेनिकली जब आप ट्रीट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए, लो बैक पेन के लिए, और आपको अगर 2-3 हफ्ते तक कोई भी नेचर उसका चेंज नहीं हो रहा, तो एक बार एक्सरे, MRI और CT स्कैन ज़रूर करवाइए और इसको थोड़ी देर बाद फिर से रिपीट करवाइए। क्योंकि अगर आपका मैकेनिकल बैक पेन है तो या तो आपके ट्रीटमेंट से पेन बढ़ेगा या कम होगा, जबकि नॉन मैकेनिकल में वो सेम ही रहता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ना वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। हाँ, बढ़ ज़रूर सकता है क्योंकि अगर हमने उसको इन्फ्लामेशन को बढ़ा दिया तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी मेरी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल बैक पेन, ये एक ब्रॉडली क्लासिफाइड टर्म है। अब आगे आगे मैं बताऊंगा कि इससे आगे आगे और कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती हैं और कौन कौन सी हमारी टाइप्स होती हैं, मतलब ट्रीटमेंट के बेस पे क्या टाइप होती है या हमारा उसके डायग्नोसिस के बेस पे क्या टाइप होती है। तो सबसे पहले तो हमें रेड फ्लैग हमें देखने थे और हमारे जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो देखना था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिकल बैक पेन और नॉन मैकेनिकल बैक पेन के क्या फीचर हैं, क्या ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ें फिजियोथेरेपी से हमारा कंजर्वेटिवली और मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। तो जब भी ऐसा पेशेंट देखे तो उसको तुरंत रेफर करें अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास या फिजिशियन के पास, ताकि वो इजीली ये मेडिसिन को देखे या उसको केस को डिटेक्ट करके उसको उसके तरह की मेडिसिन दे सके। क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है पेशेंट को रेफर करने के लिए, क्योंकि आपकी जो गाइडेंस है वही आपका ट्रीटमेंट है, और जब आप पेशेंट को अच्छी तरह गाइड करेंगे तो वो हमेशा आपको याद करेगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता। जब रेफर करो उसको बता दो कि ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो ये मेरा फील्ड नहीं है तो उसको रेफर जरूर करो उसके कंसल्टेंट डॉक्टर के पास। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या तरह की बैक पेन होती है और कैसे कैसे डायग्नोज की जा सकती है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए इस नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं अपनी MRI को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर। और साथ ही साथ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग है। और चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।